हेलो गाइस तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए सीएसएस पोर्टल के रिगार्डिंग सो फेज टू की अगर हम बात करें जब आप लोग अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस को एंड कोर्सेज को फिल कर रहे होंगे एंड आपको जब आपका कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा सो so उसमें जो कॉलेज है वो आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर टू फाइव फैक्टर्सेंट फैक्टर है जो कि डेली यूनिवर्सिटी सीएसएस पोर्टल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें यही बोला गया है कि सब्जेक्ट मैपिंग करी जाएगी हर एक स्टूडेंट की इसका मतलब यही है कि जिस भी सब्जेक्ट से जिन भी सब्जेक्ट से बच्चे ने ट्वेल्थ को पास किया है उन्ही सब्जेक्ट के स्कोर को जो है कंसिडर करा जाएगा फॉर एडमिशन इन टू अ पर्टिकुलर कोर्स इन टू अट्ठाइन ज इन डेली यूनिवर्सिटी साइंस स्ट्रीम से पास आउट है इन so सीम के सब्जेक्ट दिए उन्हें कंसिडर करेगा फॉर प्रिपेयरिंग योर मेरिट इन टू अगर आप साइंस स्ट्रीम के अलावा आपने कोई और डोमेन्स दिए हैं किसी और स्ट्रीम के सो so उन डोमेन्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा जाएगा फॉर योर एडमिशन इन टू अ पर्टिकुलर कोर्स इन टू अर्टिकुलर कॉलेज इन डेही यूनिवर्सिटी सो काइंडली अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग